साथ याद अभी इसमें शहजाद जवाब भी देना चाहेंगे लेकिन हाँ, पहले नीरज के बाद नीरज इलेक्शन कमीशन से खबर क्या है? हाँ नहीं नहीं शहजाद आपका रुको, उससे पहले एक बार ग्राउंड जीरो से हम एक बार जो माहौल है वो ले लेना चाहते हैं, उसके बाद आपको पूरा मौका दिया जाएगा। नीरज देखिए बिल्कुल रूबिका और किशोर, यहाँ विज्ञान भवन में प्रेस वार्ता है क्योंकि बहुत अधिक संख्या में पत्रकार आएंगे, पूरे देश का चुनाव है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से जुड़े पत्रकार जो दिल्ली में मौजूद रहते हैं वो भी मौजूद होंगे। यहाँ 3 बजे लोगों का यानी पत्रकारों का अंदर प्रवेश शुरू हो गया है, अभी हम बाहर में मौजूद है, थोड़ी देर के बाद हम भी अंदर जाएंगे, लेकिन 3 बजे मुख्य चुनाव आयुक्त आएंगे दोनों चुनाव आयुक्तों के साथ और आपको बारी बारी करके एक एक जानकारी पहले देंगे। 40 से 45 मिनट तक तो आपको देश भर की चुनावी जानकारी दी जाएगी और 40 मिनट के बाद लगभग आपको ये बताने की शुरुआत होगी कि कितने कितने चरणों में चुनाव होंगे। किशोर देखिए 6 से 7 चरणों में चुनाव का पैटर्न रहा है, लेकिन 2014 में 9 चरण में चुनाव हुए थे, उसके पहले 5 चरण में चुनाव हुए थे और 98-99 की बात कीजिए तो 3 से 4 चरणों में चुनाव हुए थे। तो चुनाव आयोग मास्टर स्ट्रोक देगा इस बात की उम्मीद मुझे कम लगती है, लेकिन जो न्यूज 18 इंडिया अभी खबर सूत्रों के हवाले से चला रहा है वो चरण होने की संभावना है जो जानकारी दी गई है सूत्रों के हवाले से। किशोर तो 6 से 7 चरण इस बार भी हो सकता है होम। चलिए हमारे साथ भवानी भी मौजूद हैं जयपुर से, लखनऊ से हमारे साथ अमित हैं, लेकिन वो जवाब शहजाद का ले लेते हैं पहले, इम्पोर्टेंट है। शहजाद पश्चिम उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश क्या ट्रेंड है? देखिए मुझे लगता है कि जिन लोगों ने केवल MY की राजनीति की थी, जो एक धर्म और एक जाति को लेकर थी, जिनके PDA की पोल शेरवानी से लेकर पल्लवी पटेल ने खोल दी, कम से कम आज उनको बताना चाहिए कि आज पूरे देश में और उत्तर प्रदेश में खास करके जो MY फैक्टर आया है मोदी सरकार में वो महिला और युवा है, और महिलाओं और युवाओं के एकजुट होने के बाद किस प्रकार से 14, 17, 19, 22 और 23 लगातार चुनावों में जो नतीजे आए हैं और उत्तर प्रदेश में तो ये देख ही रहे हैं, और उसके बाद भी अगर भाटी जी वो कहते हैं ना अपने आप को बहलाने के लिए कोई भी तर्क दे सकते हैं, उस समय पर तो उनके साथ RLD भी थी, उस समय पर BSP भी थी, SP भी थी, स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस था पेपर पर, आज RLD नहीं है, BSP नहीं है फिर भी, और जो भर्तियों की बात कर रहे हैं तो भाटी जी 48 पेपर लीक हुए थे आपके शासनकाल में, भर्ती आयोग के चीफ को हटाया गया था हाईकोर्ट के द्वारा, और किस प्रकार से थानों में भर्तियां होती थी उसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा है कि किस प्रकार से केवल एक ही वर्ग को तवज्जो दिया गया, तो मुझे लगता है कम से कम आपको बोलने का अधिकार नहीं, और आपने तो एक वर्ग के लिए भी काम नहीं किया, आपने तो केवल अपने परिवार के लिए काम किया, तो मुझे बताइए ना यादव समाज का कोई व्यक्ति नहीं मिला ना आपको पार्टी का अध्यक्ष बनाने के लिए, MY जो है वो महिला युवा हो गया के बदले किसी और को बनाने के लिए लालू जी समझ पा रहे हैं, और वो कार्यकर्ता ये भी कहते हैं मोदी योगी हो गया MY। कृपया किशोर जी मुझे थोड़ा समय दें, मैं आरोप नहीं लगा रहा था, मैं तथ्य रख रहा था, आपने बीच में काट दिया कि नहीं उसमें जाति का फैक्टर नहीं, मैं भी तथ्य ही रख रहा हूँ सर, मैं आपके आपके कोई जवाब ही नहीं दे रहा, मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ जो मैं पहले कह रहा था, शिकायत ये मैं भी अपनी बात कह रहा हूं ना भाटी जी, शिकायत ये थी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में इसलिए गए थे कि पिछड़ों के साथ अन्याय हुआ, भेदभाव हुआ है, तो जब कॉपी चेक के साथ अन्याय मुद्दा लेके समाजवादी पार्टी जा रही है। आपने जैसे शहजाद जी को पूरी बात कहने का मौका दिया, मुझे थोड़ा समय दें लेकिन कहने दें, भाटी जी शुरुआत आपने की, नहीं नहीं वो बात ठीक है, जब हम तथ्य पे आते हैं तभी आप काट देते हो, आप विक्टिम कार्ड खेलेंगे गलत हो जाएगा, हम विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे, आप हमें बोलने नहीं दे रहे, विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहे हम, बोलिए ना, हम ये कह रहे हैं हमारी बात सुन ली जाए, कम समय दो लेकिन पूरी सुन ली जाए। शिकायत लेके पिछड़ा वर्ग आयोग में इसलिए गए थे कि पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ था, जब शिकायत की छात्रों ने कि हमारे साथ कुछ धोखाधड़ी हुई है हमारी कॉपी दिखाई जाए, तो सरकार ने नियम बना दिया 5,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे तब कॉपी दिखाई जाएगी, गरीब लोग नहीं दे, फिर भी कई बहुत लोगों ने कई दर्जन बच्चों ने 5,000 रुपये जमा किए, किशोर जी कॉपियों में क्या मिला, कुछ कैंडिडेट के नंबर काट के कम किए गए थे, वो सारे OBC थे, नहीं आप कुछ के बढ़ाए गए थे, मेरी बात रखी नहीं है, वही बात आप दोबारा रख गए मेरा, कुछ के बढ़ाए गए थे वो सारे जनरल कास्ट थे, तो ये जाति भेदभाव है या नहीं है, एक भी जनरल कास्ट के कम नहीं किए गए थे, एक भी पिछड़े के बढ़ाए नहीं गए, अच्छा चलिए और हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है, ये मैं ये कह रहा हूं हाईकोर्ट का आदेश स्पष्ट है कि 6,800 OBC को और नियुक्ति दी जाए, अच्छा चलिए इस पॉइंट पे लौटेंगे, लेकिन जाति के आधार पर अन्याय था, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जहां पे वहां विक्रांत मौजूद है उनके पास भी चले थे, विक्रांत इससे बड़ा बाह्यात झूठ हो नहीं सकता, ये महाबाह्यात झूठ है, कभी भी एग्जामिनेशन में इस प्रकार की जाति मैं वही लौट रहे हैं लोग भी बात कर सकते
मेरे सहयोगी विक्रांत कुछ बता रहे हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। विक्रांत, यहाँ तो इसी तरह मुद्दों की गर्मी छाई रहने वाली है, लेकिन आज पूरा देश तारीखों के बारे में इंतजार कर रहा है, जानना चाहता है। जब ये तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो निश्चित तौर पर और ज्यादा राजनीतिक गर्मी ये बढ़ेगी, लेकिन इस समय देखिए विज्ञान भवन में ये पूरा मंच सज चुका है जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा है। यहीं पर अब से करीब 3.25 घंटे बाद यानी 3 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें देश में अगले चुनाव की तारीखें क्या होंगी इसका ऐलान कर दिया जाएगा। देश का हर नागरिक, राजनेता तो निश्चित तौर पर इसका इंतजार कर ही रहे हैं, नागरिक भी चुनाव का बहुत इंतजार करते हैं, क्योंकि देश में लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार चुनाव को माना जाता है और चुनाव का इंतजार राजनीतिक दलों के साथ साथ जनता को भी होता है। अपनी सरकार को चुनने का सबसे बड़ा अधिकार जो लोकतंत्र में जनता को मिला हुआ है वो है वोट देने का अधिकार। तो इसका इंतजार सभी कर रहे हैं और इस समय विज्ञान भवन में मंच सज चुका है, मीडिया का भारी जमावड़ा यहां लग चुका है, क्योंकि मीडिया की टीम के लिए एंट्री पहले से खोल दी गई है, क्योंकि काफी बड़ी संख्या में मीडिया यहां पर पहुंचता है, देशी विदेशी मीडिया चैनल्स के इसे कवर करने के लिए। और 3 बजे यहां पर इसी विज्ञान भवन से तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग के जरिए किया जाएगा, साथ ही साथ ये सब बताया जाएगा कि कितने नए वोटर जुड़े हैं, कितने नए वोटर लिस्ट को रिवाइज किया गया है, क्या क्या तैयारियां चुनाव आयोग ने की है, कितने चरणों में चुनाव करवाया जाएगा, क्या सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। तमाम राज्यों में जाकर के पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर चुनाव आयोग ने पहले से बैठके कर तमाम चीजें सुनिश्चित की हैं। तो आज उन सब की जानकारी के साथ एक जो सबसे बड़ी खबर होगी वो है चुनाव की तारीखों का ऐलान और कितने चरणों में चुनाव होगा। 6 से 7 चरण बताए जा रहे हैं, तो अब से कुछ देर बाद करीब 2.5 घंटे बाद इसका ऐलान यहां से हो जाएगा। जी 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 विक्रांत, हमें बताया गया था आपके पास दिखाने के लिए कुछ है वहां पर, अभी तो दिखाने के लिए इंतजार है, खाली कुर्सियां। हाँ, अभी खाली कुर्सियां लेकिन वो कुर्सियां भरेंगे और ये ऐलान होगा। अक्कू जी, यूपी की बात कर रहे हैं हम जी, और ये दिख रहा है कि ये पीडीए जो है ये मुद्दा बनाया हुआ है समाजवादी पार्टी ने, मतलब बनाना चाह रही है चुनाव में ये मुद्दा कि इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ है ये लेकर जाएंगे, जबकि बाकी हम ये कह रहे हैं कि जो जो ग्राउंड से दिख रहा है या ओपिनियन पोल के उनमें आंकड़ों में दिख रहा है उसमें दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा अभी भी समर्थन बना हुआ है मौजूदा सरकार के साथ। देखिए, जहाँ तक बात है फ्रेजेस की, क्वाइनिंग की, तो वो इंडिया क्वाइन तो बहुत अच्छा कर लिया गया था, INDIA वाला जो हिंदी था वो बहुत अच्छा क्वाइन कर लिया था और उससे ही लगा था कि काफ़ी बड़ी उम्मीद होगी। और लेकिन धीरे धीरे, जैसे कि मैं पहले भी मैंने एक बार कहा था कि एक शीशा था INDIA का, लेकिन अच्छी क्वालिटी का शीशा नहीं था, तो उसमें पहले एक बार BJP ने पत्थर मारा तो धरते नीतीश कुमार गिर गए और उसके बाद कई लोग उड़ते गिरते रहे और पश्चिम बंगाल के भी हमारे जयंत जी भी उसी के शीशे से टूट करके बाहर आ गए, तो वो क्वाइनिंग ठीक से नहीं हो पाई। उसी तरीके से PDA की क्वाइनिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं हो पाई जो एक बहुत बड़ा असर दिखा पाती। राजनीति में परसेप्शन और क्वाइनिंग का बहुत महत्व होता है, वो संभव नहीं हो पाया। अब इसकी वजह और तेजी क्या, असल में विपक्ष की तरफ से बहुत ज़्यादा आंदोलन भी नहीं हुए। तय बात है कि मुद्दे महंगाई बेरोजगारी भी थे, लेकिन हमने कहाँ कितना दिखा पाए, हम कितनी जगह आंदोलन हुए, कितनी जगह मतलब एक पब्लिक परसेप्शन में आया कि हाँ विपक्ष हमारे लिए लड़ मर रहा है, वो नहीं हुआ। इस वजह से दूसरा पक्ष जो था सत्तारूढ़ दल था उसने जो कुछ भी किया, एक तो किया और फिर उसके बाद दिखाया भी खूब उसने। विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं मजबूती बन रहा है इस वक्त सरकार की या BJP की, वो या एड ऑन कर रहा है उस चीज को। शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मेरे दो एड ऑन कर रहा है। एब्सोल्युटली, आप कह रहे हैं एड ऑन कर रहा है शहजाद। हाँ जी, देखिए मैं पहले अक्कू जी की बात का एक लाइन में जवाब दूं। आम तौर पर कई लोग कहते हैं टीना फैक्टर, देयर इज नो अल्टरनेटिव, इस बार होगा नीता फैक्टर, नरेंद्र इज दी ओनली अल्टरनेटिव। तो ये टीना से नीता, अब मैं पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ, अब ये मत समझिए कि किसी की फैमिली के बारे में बोल रहा हूँ, टीना टू नीता